ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਫੈਰੰਗ ਝੂਠੀ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੀਆਂ ਲਿਆਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਲਿਆਸ ਖੁਦ ਨਾ ਲਾਇਆ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਲਿਆਦਾ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुजरांवाला के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया आज, इसमें शादी की रात जो है वहां पे फायरिंग के नतीजे में चार नौजवान जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए और जो शादियों का खुशी थी वो एक गम के अंदर तब्दील होगी। जहां पे खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे वहां पर एक लम्हे के अंदर जो है मौत का रक्स वहां पे दिखाई दिया। इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई दिल खराश ये वाकया पेश आया जिसमें एक ही घर के दो सगे भाई और एक कजन, जबकि एक उनका बहनोई जो है उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये वाकया कब और कहां पेश आया, इसके पीछे जो बुनियादी वजह थी वो क्या थी और बच्चों के यानी कि दो नौजवान इस वाकये के अंदर मौत के घाट उतार दिए गए, उनकी वालदा का जो दिल दहला देने वाला एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने रीजन बताई है कि उनको उनके बच्चों को जो है वो किस लिए कत्ल किया गया, वो भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो भी आपको उसकी वालदा का जो बयान है वो भी आपको सुनाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन, ये गुजरांवाला का इलाका है, थाना कैंट इसको लगता है और इसका इलाका बनता है इकबाल कॉलोनी। वहां पे शादी की तकरीबात जारी थी और तमाम तर जो के रात को फंक्शन वगैरह होते हैं वो सारे अटेंड करने के बाद जो घर वाले हैं और जो दीगर मेहमान वहां पे आए हुए होते हैं वो थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शादी के जो मामूलात है वो लेट नाइट जो है वो जारी रहते हैं, जिसके बाद वो खत्म होने के बाद ये तमाम अफराद जो है वो अपने अपने कमरों के अंदर चले जाते हैं वहां पे सोने के लिए। और जैसे ही ये वहां पे जाते हैं और इनके घर के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक फर्द जो है वो छलांग के इनके घर आता है और अंदर से आकर इनका दरवाजा खोल देता है। जब दरवाजे को खोल दिया जाता है तो इनके साथ जो मुबैना तौर पे दूसरे लोग भी इसके साथ थे वो अंदर आते हैं और ये सीधे जो है उन कमरों में जाते हैं जहां पर ये नौजवान जो है वो सोए हुए थे। यानी कि एक ऐसा फर्द जो कि घर का बेदी था वो ये जानता था कि कौन जो है वो किस कमरे में सोता है और कौन उस वक्त कहाँ पे सोया होगा। ये वहां पे जाती है और वहां पे जाने के बाद जो है वहां पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में जो है अहमद और मोहम्मद जो कि दो सगे भाई बताए जा रहे हैं उनको मौका पर ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। जबकि एक और कजन इनका जो है अजहर, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो उसको भी ये मौका पर जो है वो मार देते हैं। और इनके जो बहनोई हैं वो जो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, वो ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं, लेकिन उनको भी ये पीछे से उनका ताकुब करते हैं और ताकुब करने के बाद उसको फायर मार के उसको भी मौका पर जो है वो मार देते हैं। जिसके बाद पुलिस का भी ये कहना है और उसके बाद जो दीगर इलाका मकीन है उनका भी ये कहना है कि ये बहुत देर तक जो है वो हवाई फायरिंग करते रहे और इलाके के अंदर बाकायदा तौर पर खौफ व हरास फैलाने के बाद ये जो है वो वहां से फरार हो जाते हैं। और जाते जाते ये वहां पे मौजूद जो सीसीटीवीज होती है उनकी जो डीवीआर से उनकी वीडियोस वगैरह साथ भी ले जाते हैं और कुछ को वहां पे डिलीट करके सारा मामला जो है वो खत्म कर जाते हैं। यानी कि वहां पर किसी भी तरह का कोई सबूत जो है वो नहीं छोड़ते हैं। बर उसके बाद पुलिस को जो है वो कॉल की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद एम्बुलेंसेस भी वहां पे पहुंचती हैं, जो बॉडीज थी उनको अस्पताल लाया जाता है। और इस वाकये का जो मुकदमा है वो कौसर बानो जो कि दो सगे भाई हैं उनकी वालदा की मुदय्यत के अंदर जो है ये मुकदमा दर्ज होता है। और इसके अलावा उसमें 8 से 9 अफराद को नामजद किया जाता है और साथ ही साथ जो है कुछ जो कहले के नामलूब अफराद थे उनको भी इस वाकये के अंदर जो है वो FIR के अंदर नामजद किया जाता है। तो जहां तक अगर हम बात करें इस वाकये की
वजह की के क्यों ये सारा अफसोसनाक वाकया पेश आया, तो बताया ये जा रहा है कि इसमें जायदाद का एक तनाजा था, ये जो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है इलियास उसका नाम है और ये इनके खानदान का ही एक फर्द है। और ये बताया ये जा रहा है कि इन दोनों लड़के के जो वालिद हैं वो ईरान के अंदर हैश पजीरा और वहां से ये जो है वो पैसा भेजते थे, लेकिन जायदाद का जो तनाजा था ये आपस में इनकी एक फैमिली का तनाजा चलता आ रहा था और ये पिछले 3-4 सालों से ये तनाजा जो है वो चलता आ रहा था। ये जो कौसर बानो है जो कि वालदा है इन दो भाइयों की, उनका ये कहना है कि मुतअद्दद बार हमने पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया है इस केस के बारे में, लेकिन किसी भी तरह से हमारी सुनवाई नहीं हो सकी और आज ये बदकिस्मत दिन जो है उनको देखना नसीब हुआ है कि जिसके अंदर उनके जवान बेटे को इस तरह से दर्दनाक तरीके से जो है वो मौत दी गई।